लिसनर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग. और अब हमारा वक्त है पोल ऑफ द डे का. और मैं आपको बताती चलूं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लियाकत सत्तैन साहब. तो सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वाले, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. सर, आज हम पोल ऑफ द डे आपके साथ ही करेंगे. बिल्कुल. और व्यूअर्स, आज हमारा पोल का सवाल है कि वालदैन को अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यार होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन क्या वालदैन को बच्चों की गलत तरफदारी करनी चाहिए, हाँ या नहीं? इसलिए क्योंकि अक्सर जब हमने देखा हमारे बच्चे बाहर लड़के आते हैं या कोई गलत काम करके आते हैं, तो वालदैन अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं नोइंग कि उन्होंने गलत किया है. तो क्योंकि डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, तो आप इसका जवाब दीजिए कि क्या वालदैन को अपने बच्चों की गलत तरफदारी करनी चाहिए, हाँ या नहीं? ये सवाल हमने कुछ लोगों से पूछा और देखते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. नहीं 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 नहीं. इसलिए कि गलत तरफदारी करने से बच्चे खराब हो जाएंगे. क्योंकि गलत तरीका तो गलत ही होता है. क्यों बच्चे को सही बनाना चाहिए भाई? मेरे बच्चे हैं. क्योंकि अगर वो गलत काम करेगा तो वो हमारे बदनामी हमारी है. इसलिए कि मैं उनसे प्यार करता हूँ. कभी कभी नहीं करें, क्योंकि बच्चे इससे फिर बच्चे खराब हो सकते हैं. इसलिए कि गलत काम में पढ़ने से बच्चा गलत रुख पे जाएगा. हम उसको सही काम पे लगाएंगे तो वो सही तरफ जाएगा. करूँगा उस सूरत में जैसा कोई मजबूरी होगी, वैसे कभी भी नहीं. आज अगर हम इसको अगर छूट देंगे तो आज ये छोटी सी काम किया बोलेंगे चलो अब्बू कुछ नहीं करते, कल बड़ा कर सकते हैं, परसों उससे बड़ा भी कर सकते हैं. बिगाड़ देते हैं तो वही बच्चे उनको फिर रोड पे ले आते हैं. अगर अच्छी तरबियत होगी तो माँ बाप की इज्जत करेंगे, उनका बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और उनको आगे तक लेके चलेंगे, उनकी अपनी जिंदगी भी अच्छी होगी. वेलकम बैक. अभी आपने हमारा पब्लिक व्यूज देखे और उन सब ने मेजरली कहा कि नहीं, गलत तरफदारी नहीं करेंगे. लेकिन फिर भी हम कॉमन एग्जांपल्स में यही देखते हैं कि आपका बच्चा बार गलत करके आता है, ऑटोमेटिकली अंदर से इमोशंस ऐसी आती हैं या ऐसा होता है कि दूसरे गलतों का है, मेरे बच्चे को बच्चे की पिटाई हो गया, मेरे बच्चे के साथ ज्यादती ना हो जाए या मेरा बच्चा मेरे अगेंस्ट ना हो जाए, मुझसे नाराज ना हो जाए. तो इस वजह से भी माएँ जो है मेनली अपने बच्चों की गलत तरफदारी करती हैं. और कभी कभी गलत तरफदारी का मतलब ये भी होता है कि हस्बैंड को नहीं बताती कि उनके बच्चे ने आज क्या किया, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग. और हाँ, लियाकत सत्तैन साहब से पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं. जी सर. नहीं, मैं तो कहूँगा कि गलत है, बच्चों की हिमायत नहीं करनी चाहिए. जायज़ जो है वो आप करें, लेकिन नाजायज़ कभी ना करें बच्चों. लेकिन सर ये भी होता है ना कि अगर आपने उसकी साइड नहीं ली तो आपका बच्चा ही आपसे नाराज़ होता है, खाना पीना बंद, स्ट्राइक और पता नहीं क्या क्या, घर से चला जाऊँगा और इस तरह की थ्रेट. और आपने मेरी साइड नहीं ली, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगा, मैं आपका बच्चा हूँ, इस तरह की बातें बच्चे करते हैं. देखें, बात यह है कि बच्चा सही तरबियत, जो तरबियत है वो अपने घर से लेता है. आप उसको जिस तरह की तरबियत देंगे वो वैसी ही आगे जाकर उसकी जो भी होगी सूरत हाल. तो मैं समझता हूँ कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. और ऐसा कोई नहीं है बच्चा कि वो बस ऐसे ही मैं यूँ कर दूंगा वो कर दूंगा, घर से कोई नहीं जाता. जो घर में मजे आ रहे होते हैं वो बाहर जाकर नहीं आते. सर, बच्चे बड़े ना समझ होते हैं. वो ये बात नहीं समझते, तो हम समझते हैं ना. वो ये बात नहीं समझते, वो वाकई में ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं, वो चले जाते हैं. और बस वो देखना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए बात को पहले, बच्चों का मिजाज देख के फिर उसके मुताबिक उनके साथ जो भी तरीकेकार है वो इख्तियार करना चाहिए. मैं तो ये कहूँ. अच्छा, कुछ तो वालदैन इतने सख्त होते हैं कि दूसरे के सामने जी अपने बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, तुमने गलत किया, अब ये भी नहीं करना चाहिए कि उसका मोरल डाउन होगा. इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही. अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहे हैं? आते बात करूं इस्लामाबाद से. जी आते साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप तो रेगुलर कॉलर हो गए. जी बिल्कुल. अच्छा जी, हमारे पोल का क्या जवाब देंगे? ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. अगर बच्चा गलत है तो उसको समझाना चाहिए, अगर कोई गलत बात कर रहा है तो उसको. किस वक्त समझाना चाहिए? जब ऑपोजिट पार्टी भी सामने खड़ी हो. हाँ बिल्कुल, ऑपोजिट पार्टी सामने, तो उसको समझाना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह ना करे. ये भी ठीक है, इससे बच्चा जो होता है बहुत हर्ट होता है. हाँ जी, प्यार से समझाना चाहिए ना उसको. गलत काम करके आएगा, प्यार से समझाएंगे. चलिए ठीक है जी. अच्छा चलिए, क्या पूछना चाहते हैं साहब? लियाकत साहब से पूछना चाहूंगा. हाँ. इनसे मैं अपने बारे में भी पूछ चुका हूँ, एक साल हाँ. पहले पूछा था, वो भी माशाल्लाह इनकी प्रेडिक्शन से भी. बाद में अपने बिजनेस के बारे में पूछा, क्या बात है, भाई वगैरह के बारे में पूछा था, माशाल्लाह बहुत सारी इनकी प्रेडिक्शन ठीक हुई है.
तो मैं अपनी वाइफ के बारे में पहली दफा पूछना चाहूंगा, वो मुझसे लड़ती है कि आपने कभी मेरे बारे में नहीं पूछा। सही लड़ती हैं। तो डेट ऑफ बर्थ बताइए वाइफ की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1987। 2 मई 1987 कहाँ पैदा हुई? ये फैसलाबाद में हुई है और ये टाइम है शाम 7 बजे का। टाइम है शाम 7 बजे का, बैठी देख रही है ना बस? हाँ जी देख रही है। और तफसील से बता दीजिएगा इसका। पूछना क्या है? बस फ्यूचर के बारे में। वो कहते हैं मेरे बारे में भी कुछ बताएं, अपने बारे में पूछते रहते हैं, भाइयों के बारे में पूछते रहते हैं, मेरे बारे में कभी नहीं पूछा। लियाकत साहब इनका जन्म खुद ही बता देते हैं माशाल्लाह। लियाकत साहब फ्यूचर के बारे में चैलेंज हम बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर, लड़ाई हो गई इनके घर में, जल्दी से बता दें। इस दायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगे ना वो लिब्रा है, मीजान, जिसका सितारा जोरा है, और मून साइन इनका है जोजा है जेमिनी, इसका सितारा तारद है। पहली बात तो ये कि ये लोग लड़ने वाले नहीं होते, इनमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और लोगों में हल होने की सलाहियत रखते हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं। और दूसरी बात यह कि इस वक्त भी इनको मुश्तरी का जुपिटर का दौर है, जो कि जायचे में बुर्ज हूत यानी पाइसिस का होकर पड़ा है, जो कि बहुत ताकत, यानी उसका ये अपना घर होता है। तो अपने घर में हर आदमी ताकतवर होता है, तो ये इसका अपना घर है। और मेरा ख्याल है कि इसका दौरानिया भी काफ़ी तवील है, उसके बाद इनको सैटर्न लगेगा, वो भी बेहतर है। तो एक रोशन मुस्तकबिल है इनका, और माशाल्लाह बहुत अच्छी खातून है। दूसरी बात यह कि इनकी शादी जब आपकी लव मैरिज है तो यकीनन इनके भी लव मैरिज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ? किशोर बात कर। किशोर थोड़ा सा लाउड बोलिए। हाँ जी किशोर बात कर रही। हाँ जी किशोर साहब, जी जी क्या पूछना चाहेंगे? बेटी के बारे में पूछना है। बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 मई 2008। कहाँ पैदा हुई? कराची में। कराची में टाइम क्या था? 11:15 रात को। 11:15 रात को क्या पूछना है बेटी के बारे में? बेटी के बारे इनका है ना फ्यूचर कैसा रहेगा, एजुकेशन के बारे में, शादी के बारे में, और इतने सारे सवाल। छोटी सी है ना, तो अभी तो कुछ भी नहीं पता इनको। चले हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सभी पूछ लिया सर? जी जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका जो एसेंडेंट है वो जद्दी है, कैप्रिकॉन, जिसका सितारा जोल है, और मून साइन इनका स्कॉर्पियो है, अक्रब, इसका सितारा मरीख है। बात यह है कि इनके जायचे में जो तालीम का योग है वो बहुत अच्छा है, ऐसे लोग बड़ी आला तालीम हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। इनका शोबा जो है वो कॉमर्स, बैंकिंग, अकाउंट वगैरह, यानी इनका ये शोबा होता है और इस शोबे में बहुत कामयाब रहते हैं। दूसरा, इनके जायचे में किरान है जोरा अतारत का, जिनके जायचे में ऐसा किरान होता है ये लोग अपने ख़ानदान का, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं, और बहुत बाकिरदार है ये बच्ची माशाल्लाह, बहुत नेक है। लेकिन थोड़ा सा इसकी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि इसका जो धड़ का निचला हिस्सा वो थोड़ा सा वीक है। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि मंगल के दिन किसी भी सुर्ख चीज़ का सदका इनके लिए देती रह करें। ओके चले जी, ठीक है। हाँ साथ एक और कॉल भी है सर जी, वो भी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मिसेस रियाज़ कैसी? जी मिसेस रियाज़ कैसी?